आटा लेंगे, आटे में अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और बॉईल की हुई मटर डालेंगे। अच्छे से उनको मिक्स करेंगे और मोमन भी डालेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। अब आटा रेडी हो गया है। दूसरे डोंगे में आलू लेंगे बॉईल करें, प्याज लेंगे चॉप करी, हरी मिर्च लेंगे, लाल मिर्च लेंगे, नमक लेंगे और पनीर डालेंगे उसमें, क्रश किया हुआ चाट मसाला भी उसमें ऐड कर देंगे। आटे की लोई बेलेंगे अच्छे से, मीडियम साइज़ की लोई लेंगे, उसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और ऊपर से चीज़ भी ऐड कर देंगे, गोल आकार देंगे उसका अच्छे से। फिर आटा लगाकर उसको बेलेंगे, बेलने में थोड़ा सा फट भी जाए तो उसमें थोड़ा आटा ऊपर से सूखा डालकर गोल गोल बेल लेंगे। तवे पे ऑयल लगाकर उसको अच्छे से सेकेंगे, कुरकुरा सेक लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे।